हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, और उसमें कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी थे, जहां हमने जाना कि ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब्ट्रैक्शन में हाँ आंसर चेंज हो जाता है। सो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव इज देयर फॉर एडिशन बट नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। उसी बेसिस पर ये एक्सरसाइज है। सो चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1B, यूज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहां दिया है चार नंबर्स 7, 8, 3, 2। अगर हम इसे कोई भी ग्रुप में ऐड करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। 7 + 3 = 10, 8 + 2 = 10 और 10 + 10 = 20। सो इन्होंने ऐसे ग्रुपिंग किया है जहां होल नंबर्स आए, जैसे 10, 100, ऐसे किया है इन्होंने। हम भी वैसे ही करेंगे। अभी हम देखें तो ये 9 + 1 जो है एंडिंग में 10 आ रहा है, तो एंडिंग में 0 आ रहा है, तो हम पहले इसको एडिशन करने की कोशिश करेंगे। सो इधर ही ऐड कर लेते हैं 79 + 21। सो 9 + 1 = 10, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10, तो ये 100 हो गया। सो ये 100, 43 + 100 क्या आएगा, 143। देखा, 43 + 21 करते तो थोड़ा टाइम लगता क्योंकि तीनों को ऐड करना पड़ता, लेकिन हम अगर वंस प्लेस को देखें तो एंडिंग में 0 आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम ग्रुप करेंगे। जैसे इस सम में देखिए 9 + 1 = 10 आएगा, और इधर 6 + 4 = 10 आएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो हम 89 और 11 को ऐड करते हैं फर्स्ट। 89 और 11, सो ये दोनों नंबर हम ऐड कर रहे हैं। सो 9 + 1 = 10, 8 + 2 = 10, सो ये 100 हो गया। और 36 + 64, वो भी 100 हो जाएगा। सो 100, ये 100 और ये 100, सो 100 + 100 क्या आएगा बच्चों, 200, ठीक है। इसी तरह इधर आप बताइए कौन सा दो ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ऐड कर सकते हैं, ये दोनों, क्योंकि ये 60 है और ये 30 है, 90 हो जाएगा, और 4 + 6 = 10। सो हम 64 और 36 को ऐड करेंगे, और ये 70 है, ये 20 है, 90, फिर ये दोनों भी 100 हो जाएगा। सो इन दोनों को ऐड करने से 100 मिलेगा, और फिर इन दोनों को ऐड करने से भी 100 मिलेगा। सो 100 + 100 = 200, ठीक है बच्चों। सो ऐसे देखने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन में कि कौन सा दो नंबर्स एंडिंग में 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये 5 + 3 है, ये दो इंटीजर है, तो दो इंटीजर में हमने जाना है कि हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। सो क्या हम कह सकते हैं 5 + 3 और 3 + 5 सेम ही है, बरोबर। नेक्स्ट सम में देखिए, यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बाकी बचा क्या, -5। सो वो -5 हम इधर लिख देंगे, क्योंकि इसका आंसर भी -9 आएगा, और ऐसे करने पे भी -9। अभी इस तरफ p प्लस आर है, तो इधर क्या मिसिंग है बच्चों, आर, ठीक है। इधर दो नंबर्स है 5 और -7, इधर सिर्फ -7 है, तो मिसिंग क्या है, 5। इसी तरह इधर -7 और -a है, इधर सिर्फ -7 है, सो मिसिंग क्या है, -a। इधर l और m है, इधर सिर्फ l है, अभी मिसिंग क्या है, m, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया है बच्चों, वेरीफाई। ये क्वेश्चन दिया है लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में। वेरीफाई मतलब हमें ये देखना, प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। उसके पहले हम रूल्स जान लेते हैं। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक नंबर के आगे प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, डेट मीन्स ऑपोजिट साइंस हो, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दोनों इंटीजर्स के सामने लाइक साइंस हो, जैसे दोनों माइनस दोनों प्लस, तो हम ऐड करेंगे। इस रूल को याद रखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में जो है पहले वो सॉल्व करते हैं, -18 + 4। सो -1 + 1 तो ऑपोजिट साइंस हो गए, तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 14 मिलेगा, 18 में से 4 गया तो। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 18 बड़ा है तो उसका साइन माइनस, -14 + 6। अब ये दोनों फिर से ऑपोजिट साइंस है, ऑपोजिट साइंस मतलब सब्ट्रैक्ट। सो 8 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 14 ग्रेटर है तो उसका साइन -8। अब इधर देखते हैं, चलो -18, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, 6 + 4, 6 + 4 हो गया 10, 8 + 1 माइनस, ऑपोजिट साइंस है, सो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 18 इज बिग
और उसका साइन है माइनस. सो क्या इक्वल है बच्चों? हाँ इक्वल है. सो वेरीफाई कर लिया हमने. सेकेंड सम जो ब्रैकेट में है पहले वो सॉल्व करते हैं. एक यहाँ माइनस थ्री है और यहाँ नाइन है. ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर क्या है? नाइन. उसका साइन प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा. 19 प्लस 6 25. इस साइड 19. अभी इधर 3 के सामने दो साइन है. हमको उसको पहले एक साइन बनाना है. प्लस इंटू माइनस. ये इंटू है. ब्रैकेट का मतलब आप इंटू ले लीजिए. सो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 9. 19 माइनस 3 6. 9 माइनस 3 6. सो 19 माइनस 3 16. 16 प्लस 9 भी 25. सो ये भी इक्वल हो गया. नेक्स्ट सम 11 प्लस 3. क्या हो गया बच्चों? 11 प्लस 3 14. और इधर 9 के सामने दो साइन है तो हम एक साइन बना देंगे. प्लस इंटू माइनस माइनस 9. सो 14 माइनस 9 क्या हुआ बच्चों? 5. अब इधर देखते हैं 11. अब 9 के सामने दो साइन है तो हम इसको एक साइन बनाएंगे. प्लस इंटू माइनस माइनस 9. अब एक प्लस है और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वही रूल है. और सॉल्व करने पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस. सो 11 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 क्योंकि 6 के आगे दो साइन है. 11 माइनस 6 5. सो आंसर सेम आ गया. नेक्स्ट सम चलते हैं. अब इस क्वेश्चन में कहा गया है prove that the following statements are false and give the reason. मतलब ये statement that this left hand side is equal to right hand side नहीं है, ये प्रूव करना है. ये तो तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब हम ये सम को हम सॉल्व करेंगे. और उसका कारण क्या है? सो फर्स्ट लेट मी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. 18 माइनस 6 12 एंड ये प्लस 3. 12 प्लस 3 हो गया 15. 18 माइनस 6 प्लस 3 9. 18 माइनस 9 हो गया 9. सो क्या 15 इज इक्वल टू 9 है बच्चों? नहीं. सो नॉट इक्वल टू साइन लगा देंगे. लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों ये नॉट इक्वल है? एक मिनट बच्चों. या अब ठीक है. व्हाई इज इट नॉट इक्वल? क्योंकि इधर हमने तीन नंबर्स लिया है और इधर सब्ट्रैक्शन. और हमने जाना है कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव अगर दो नंबर हो या तीन नंबर हो तो एसोसिएटिव. सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन इंटीजर्स. सो वही कारण हम लिखेंगे. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव अंडर इंटीजर्स या फॉर इंटीजर्स, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, यही कारण है. अभी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं. 76 माइनस 6. अभी ये ब्रैकेट में है तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. एक प्लस एक माइनस, तो माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 76 माइनस 6 इज 70. माइनस 20 हो गया 50. अब इधर देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाहर माइनस है सो ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा. एक प्लस है, 6 के साथ प्लस है और 20 के साथ माइनस है. ऑपोजिट साइंस तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 20 माइनस 6 14 और बड़े का साइन लगाएंगे. 20 बड़ा नंबर है ना, तो उसका साइन माइनस. अब एक नंबर के सामने एक ही साइन रहना चाहिए तो हम इसको एक बना देंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस 14. 76 प्लस 14 बन गया 90. अब ये दो इक्वल नहीं है. सो इसका कारण भी सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव अंडर इंटीजर्स ही आएगा. यही आंसर इधर भी आएगा. नेक्स्ट सम है बच्चों 742 माइनस 58 माइनस 10. सो हमको इसको भी वेरीफाई करना है. पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे. सो 748 माइनस 58 हमें मिलेगा 684 माइनस 10. सो 684 माइनस 10 बन गया 674. इस साइड देखते हैं बच्चों. 742 माइनस 58 माइनस 10 48. 742 माइनस 48 बन गया 694. सो ये इक्वल नहीं है. सो हम कह सकते हैं इधर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में जब भी तीन नंबर्स होते हैं एसोसिएटिव में तो हम उनको ऑर्डर चेंज करने से आंसर भी चेंज होगा. सो इधर भी हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स क्योंकि तीन नंबर्स है. अगर दो होते तो हम लिखते थे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ठीक है, नेक्स्ट 437 माइनस 32. सो 437 को हम 32 से माइनस करते हैं तो हमें मिला 405. 405 प्लस 48 सो 453 हो गया बच्चों. नेक्स्ट इधर 437 माइनस
32 + 48, तो 32 + 48 करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, सो 80 हो गया। 437 को अगर हम 80 से माइनस करेंगे सो 7 और इधर बन गया 8 और 5, सो 357, ठीक है। अब चेक कर लेना बच्चों कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। फोर्थ, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा, सो ये नॉट इक्वल टू है। सो इसका कारण भी सेम है बच्चों, इधर ऑर्डर चेंज हो गया है। देखिए पहले हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और फिर इसको ऐड किया, लेकिन इधर पहले इसको ऐड कर रहे हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एसोसिएटिव तो इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन तो एसोसिएटिव में होता ही नहीं है, राइट। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, सो आंसर तो सेम आएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, 8 - 4 = 4 - 8। 8 - 4 तो 4 हो गया बच्चों, लेकिन ये 4 - 8 क्या होएगा? -4, क्योंकि बड़े का साइन लगाना पड़ता है, ऑपोजिट साइंस है तो हम सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 8 बड़ा है तो +4, यहाँ 8 बड़ा है लेकिन उसके पास नेगेटिव साइन है तो -4, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। सो हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब 346 - 276, ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करके देखिए इसका आंसर क्या इसके आंसर के इक्वल है, नहीं होगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। होप आपको समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे, तब के लिए बाय।